हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आपका भाई थोड़ा आज ठीक नहीं है, बिकॉज आज काम करेगा इसलिए थोड़ा ठीक नहीं है, बोल सकते बैड मॉर्निंग। पापा ने इतने बड़ा काम जो तमा दिया है, इधर देख रहे हैं खाली बाड़ी लगा, यहाँ से वहाँ तक पूरा। वो जो लास्ट में वो पेड़ दिख रहा है ना उधर, वो पेड़ तक दीवार लगानी है वहाँ तक, वो भी पत्थर की दीवार। कैसी दीवार? ये वाली पत्थर की दीवार। और पत्थर कहाँ से लानी है वो भी दिखाऊँ। जो पत्थर इकट्ठे दिख रहे हैं, हमने निकाले उस पत्थर को हमारे खेत से, वहाँ से निकाले उसको लाएंगे और इधर दीवार बनाएंगे। तो यही बेड मॉर्निंग है। तो आज यही काम करूँगा, मेरा डेली रूटीन आप लोग को शेयर करूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। बहुत ज़्यादा बैंड बज गया है, आज काम करूँगा पूरा। चिंद खा रहे हैं बच्चे लोग। दोस्तों लोग ये जो दिख रहे हैं चिंद, उस दिन बोला था मैंने गिरा कर दिखाऊंगा, बच्चे लोग गिरा रहे हैं और ये बच्चे लोग चिंद कह रहे हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, पकी हुई चिंद ऐसे दिखते हैं। ये देख लो इस टाइप से होते हैं पके हुए चिंद। आप लोग खजूर बोलते हो शायद ना। तो ये चिंदे बहुत सारे गिरे हुए हैं, अभी लड़के लोग गिरा रहे थे यहाँ से, वो देख सकते हैं दोस्तों ये चीजें चिंद। दीवार खड़ी करना है जहाँ पे खेत में जंगली वाले गाय और जो खुले गाय घूमते रहते हैं, खेत बर्बाद करते हैं, उनको दीवार लगाएंगे ताकि उनकी रोकथाम हो जाए और फसल बच के सुरक्षा हो करके। फिर भी कोई मतलब का नहीं रहा दोस्तों, इस साल हमने इतना ज़्यादा खेती किया, COVID-19 के चलते सारे लोगों का, किसानों का फसल बर्बाद हो गया। कुछ भी सामान बिखा नहीं उनका, दाना चावल अनाज गेहूँ मक्का धान पता नहीं बहुत सारे बैगन हो गए मूली भिंडी, ये सब जितना भी सब्जी फल ये सब उगाए थे ना, जैसे 10% में बिकता था ना, 10% में से अभी 1-2% में बिक रहा है, इतना ज़्यादा घाटा हुआ। उसको पैसा भी नहीं मिल रहा है, गरीब स्थिति से झेल रहा है किसान, क्योंकि पैसा ही नहीं है किसान के पास। बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ झेल कर ये सब कमाया था और इतना 2 पैसे के लिए बिका, तो क्या मतलब यार। कोरोना के चलते बहुत सारे किसान फसल नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे कुछ लगाएंगे घर के खाने के लिए, इस पर बेचने लायक नहीं लगाएंगे। किसान बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। जब जब संकट आई है ना, किसान ने सबको हेल्प किया है। इस बार भी COVID-19 के चलते ऐसा सारे लोग एकदम डगमगा गए थे, फिर भी किसान सबको अनाज पानी पहुँचाया, 1 रुपये के लिए अपना अनाज माल पानी सब कुछ 1 रुपये में बेचा समझो, और सबको पूरा संसार को पाला। इतना हार्ड वर्क करता है किसान, लेकिन उनको एक भी फायदा नहीं हुआ, फिर भी देश को बचाया। ये मत सोचना कि पुलिस वाले और डॉक्टर वाले ही मेहनत किए, बस सभी लोग मेहनत किए, बस उनका पैसा उनको मिलते गया और सही हक से पूरा पैसा मिला उनको। हर किसान को 1% ही पैसा मिला, किसान का पूरा ही पूरा लॉस हो गया। किसान 10% जो प्रॉफिट होता है, 1% प्रॉफिट लेके खुद को सारे अनाज पानी को पूरा देश भर में बांट दिया। और मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग सारे किसान को पूछना, राय लेना,
आपका दान आपके घर में गेहूँ लगाता, सब्जी लगी थी, कितना में बेचा भाई? रो रो के बताएगा आपको, मूलधन भी नहीं निकला तो क्या मतलब, ये सब हो गया। इस साल बहुत सारे किसान लोग ने तो दोस्तों घर से थोड़ा बुलावा आया है, घर वाले बुला रहे हैं भाभी जी कि लड़का खाना वाना नहीं खाया है, भूखा खर रहा है, तो बुला लेती हूँ थोड़ा खाना वाना खाने के लिए, हो सकता है या फिर कुछ काम कराएंगे। वैसा सच में आज कुछ खाया नहीं हूँ दोस्तों। मुझे अपनी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तरस आता है, कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, नरक की तरह। कुत्ता भी बेहतरीन ज़िंदगी जीता होगा मेरे लिए, बट ये मेरी लाइफ स्टाइल अच्छा लगता है। स्ट्रगल ही जहाँ पे जाता हूँ स्ट्रगल ही मिलती है मुझे, और स्ट्रगल करना और उससे निकल जाना अच्छा लगता है। तो घर नज़दीक ही है हमारे खेत से, तो जा रहा हूँ। ये मक्का जो फिर पीछे भुट्टा लगा था सूख गया, तोड़ लिए। क्या कर रहा है दोस्तों ये लड़का? देखो कहीं से आम मिला है, छोटा सा कोई ला के दिया था, इसको खा रहा है। हमारे गांव में आम नहीं पकड़ाया तो दोस्तों कैसा खा रहा है। दोस्तों कटहल काटने के लिए बस आया था, वो कटहल देख रहे हैं वही ये। अभी वापस जाएंगे खेत में करेंगे काम। दोस्तों घर वाले को तो मेरी मजबूरी की परवाह ही नहीं, काम कर रहा तो भी भूखा पेट, घर में आया तो बस कटहल तुड़वाए, बस उनको तो ये भी परवाह नहीं कि अपना देवर जी अपना जो भी है खाना खाया या फिर नहीं खाया, कोई पूछता ही नहीं। चलो ये सब अच्छा लगता है, मजबूरी में तो वो लोग भी अपना काम दाम बहुत हार्ड वर्क करता हूँ दोस्तों, तो चलो बाद में खा लूँगा। सो अभी मैं जा रहा हूँ कुछ सामान के लिए। तो दोस्तों इस वाले घर में मैं अभी कौड़िया लेने आया था, कौड़िया जो कंधे पे बो के उसके सहारे ले जाऊँगा तो पत्थर जल्दी ख़त्म होगा करके कौड़िया लेने आया था। बस वो कौड़िया भी नहीं है, किसी और घर में ले गए हैं, तो कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा, बहुत और कुछ दिखाऊंगा। दोस्तों ये चीज़ देख रहे होंगे आप लोग, ये है साल का बीज जो जंगल में गिरे पड़े रहते हैं, इसको जंगल से उठा के लाते हैं और बेचते हैं, और इधर भी सुखाया गया है। बस दोस्तों हमारे जंगल में ना, हमारा बस्तर के जंगल में सबसे ज़्यादातर साल का पेड़ ही पाया जाता है, इसलिए साल बहुत गिरता है, इसलिए वो थोड़ा सा निकाला हुआ छिलका हुआ पत्ती जलाया वाला वो साल का बीज।
मेहनत देख के आप लोग को यार, कब तक ऐसा खड़ा हो गया आपका भाई को। साल साले मर जा उधरी, तेरी औकात ही मेहनत करने खिलाया गया, ऐसा बोल दो। सच में भाई लोग मेरी औकात दीजिए, और यही सब करते रहता हूँ। आप लोगों को कैसी लगती है पता नहीं, पागल कुछ भी चीज़ उठा के दिखाते रहता है, हमेशा काम करता है, ये करता है, वो करता है। मत सोचो भाई, ये मेरी मजबूरी है और यही हमारी ज़िंदगी है। सब करके कुछ खुशी तो नहीं मिलती, बस ज़िंदगी चल पाती है और खुशी तो आप लोगों से मिलती है। वीडियो शेयर करता हूँ, और आप लोग पता नहीं भाई आजकल व्यूज़ भी नहीं आ रहा है, आप लोग देखते भी नहीं, बहुत कम व्यूज़ आ रहा है। पता नहीं आप लोग को किस चीज़ की कमी पड़ रही है, आप लोग मैं अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो आप लोग से दरखास्त है भाई लोग, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती तो कमेंट में बता दीजिए आपका वीडियो अच्छा नहीं लगता भाई, हम नहीं देखते करके, इतनी मेहनत करता हूँ आप लोग देखे करके, तो भाई नहीं देखते तो अच्छा नहीं लगता। अब बोल भी क्या सकते हैं भाई, आपकी अपनी पसंद है, कौन किसको इंटरटेनमेंट कॉमेडी सॉन्ग पसंद है वो, ये हमारा छोटा मोटा फालतू चीज़ ब्लॉग कौन देखेगा, है नहीं, सही बोलते हो आप लोग। बट क्या एक बार कमेंट कर दिया करो भाई, आपका ये ब्लॉग पसंद ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल मत बनाना कर, मैं छोड़ दूंगा ब्लॉग बनाना। और दोस्तों आजकल आपका भाई को इसी हाल में छोड़ोगे या फिर कुछ बनवाओगे या फिर कुछ करवाओगे? आपका भाई तो मेहनत ही बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, तो आप लोग इसी हालत में छोड़ोगे या फिर कुछ तो मौका दो यार मुझे भी कुछ करने का। तो वीडियो लोग को लाइक करो, हो सकता तो अपने फ्रेंड दोस्ती यार ये सभी को, अपने रिलेशन सभी जगह शेयर करें इस वीडियो को, ताकि पता चल जाए सभी को कि भाई कुछ काम कर रहा है, इससे भी कुछ बेनिफिट हो और हमें कुछ दिखा रहा है, हमें भी कुछ अच्छा थोड़ा लाइफ के बारे में कुछ समझ में आए, इतना स्ट्रगल करके कुछ कर रहा है तो हमें भी इससे कुछ सीख तो नहीं मिलेगी, बट सोच समझ मिलेगी कि ऐसा स्ट्रगल करने के बाद कुछ कर ही जाती है करके। तो आप लोग समझ लीजिएगा भाई लोग, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, हो सके तो सब बिग फस शेयर करना, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं आजकल, इसलिए बहुत ज़्यादा दुख लगता है, इतना तो मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, ऊपर से खानदान छोड़ के बनाते हैं, और कोई घर वाले चुपके से देख रहे हैं तो मतलब चुपके बनाना पड़ता है, अगर सामने से आके पकड़ लिए तो भैया ऊपर से पिटाई और ऊपर से घर में निकाल देने के चांसेस बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। सब साइड में रख के वीडियो बनाना होता है, वीडियो बस ही नहीं बनाते भाई, अगर वीडियो बोल रहे हैं तो इसमें भी कुछ टैलेंट है, कुछ राज चुकी है जो आप लोग सामने निकाल रहे हैं, जो अंदर की बातें हैं दिल की वो निकल रही है। हमेशा मैं बना के नहीं बोलता हूँ, कभी जो दिल से निकला, कभी भी किसी भी टॉपिक पर बात करता हूँ, अचानक से कहीं भी किसी भी टॉपिक में खुद जाता हूँ, और वो कहीं भी टॉपिक में खुद देना दिल से निकलता है इसलिए खुद। सो फिर काम करते हैं ना, आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। दोस्तों अभी एक घंटे कुछ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गए, चेहरे पे कुछ अजीब खाले पीले दिख रहे होंगे, बाल भी चिंगड़ी सुंगड़ी इधर उधर हो गए, और ये देख सकते इतने सारे कट्टे किए हैं और भी बच्चे हैं, बहुत सारे लाने हैं। सो बस दोस्तों आज का वीडियो होते ही आज यही तक वीडियो एंड करना पड़ेगा। सो आई होप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो नए हैं हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलेगी हमारे, तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना, हर नोटिफिकेशन बेल हो जरूर हो करना भाई। तो दोस्तों आजकल मैं आप लोगों के लिए ट्रेवल वीडियो नहीं लेके आ पा रहा हूँ बिकॉज COVID-19 के चलते। दोस्तों होप करते हैं कि सारा मामला पहले जैसा सही हो यार, घर में लॉकडाउन के एकदम जाल जैसे बैठे हुए हैं तो सारा कुछ मामला सही होता है तो दोस्तों घूमेंगे फिरेंगे, सारा चीज़ वीडियो अच्छे दिखाएंगे, तो व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा, सजेस्ट कीजिएगा कमेंट में आप लोग किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं घर के आसपास ही, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप लोग की राय जानूंगा तो उसके रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों बस उतना ही आज के वीडियो में, थोड़ी सी हार्ड वर्क किया मैंने, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दे देना ना। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।